आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार। ये जो तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पट्टा के बांसघाट विद्युत शवदाह गृह का है। यही वो जगह है जहां पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अंत्येष्टि की गई थी। उनकी याद में यहां पर समाधि स्थल बनाया गया है और एक पार्क बनाया गया है। आप देख सकते हैं पार्क की क्या स्थिति है। बहुत ही विकसित पार्क है, पूरी हरियाली है पार्क में, टाइल्स लगा हुआ है, वेल मेंटेन्ड है, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पटना के बांसघाट का विद्युत शवदाह गृह का है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल के ठीक सटे हुए है। और इसकी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। और ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बांसघाट के इलाके का मैदानी भाग है, जहाँ पर कि शवों को खुले में जलाया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सब का जिस तरह से दाह होना चाहिए वो यहीं पर होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ रखी हुई है, पुलिस के द्वारा जब्त गाड़ियाँ यहीं पर ला करके पार्क कर दी गई हैं, और जो शव दाह के लिए जगह है उसको पूरी तरह से अतिक्रमित कर लिया गया है। लोगों को लकड़ी पर शव दाह करने के लिए इस जगह से हट के काफ़ी दूर के स्थान पर जाना पड़ता है। और ठीक इसी बांसघाट के पीछे आप देख रहे होंगे जयप्रकाश गंगा पथ, ये भी हाल ही में शुरू किया गया है और ये भी काफ़ी विकसित है। ये पिकनिक स्पॉट भी बन गया है, लोग इसे मरीन ड्राइव कह के भी बुलाते हैं। मतलब बांसघाट के आसपास का पूरा इलाका पूरी तरह से विकसित है, लेकिन सिर्फ बांसघाट विद्युत शवदाह गृह की स्थिति जो है दयनीय है, और जो स्थान लकड़ी पर शव दाह के लिए उसकी स्थिति दयनीय है। आइए हम मिलते हैं अपने संवाददाता से, बता रहे हैं वहीं का, जो यहाँ के देख रेख करते हैं उनसे मिलते हैं कि अभी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक शवदाह चालू है। नमस्कार भैया, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है। मेरा नाम दिलेश्वराम। तो अभी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक शवदाह है? अभी एक मशीन चालू है। तीन मशीन है, एगो में काम लगा था बनाने के लिए और एगो मशीन चालू। तो अभी एक ही से काम हो रहा है जी। तो वो उसको बनाने के लिए आप लोग दिए हैं कि नहीं दिए हैं, आगे बात बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? अच्छी ऑफिस में जो है कि दिया हुआ है लेटर, उसमें अभी कितना खर्चा आएगा? खर्चा तो सर हम नहीं बता सकते हैं, चूँकि जो बनाते हैं शवदाह में कितना और वो अब तो ठेकेदार के थ्रू बनता है, तो हम क्या बता रहे। अच्छा, कोई आदमी ये सब सौ लेके आते हैं तो उसको जलाने में कितना खर्च आती है? खर्च 300 रुपये हम लोग लेते हैं। ये पटना नगर निगम का बोर्ड पर लिखा हुआ है जी, 300 रुपये। अब बाकी जो सामान है वो अलग से, वो तो बाकी सामान आप लीजिएगा, क्या लीजिएगा नहीं लीजिएगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी लाने का खर्चा वो 300 रुपये है। और अगर ज़्यादा अगर भीड़ हो जाए, अभी एक ही चालू है, तो फिर आप लोग क्या करिएगा? तत्काल में तो सर वही में 45 मिनट का टाइम लेते हैं, 45 मिनट में लगभग जो है कि लाश जल नहीं जाता। 45 मिनट टाइम लगता है, फिर उसको वन बाय वन उसी में उसको आगे बढ़ाइएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम पटना के सबसे पुराना शवदाह गृह बांसघाट के पास खड़े हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लकड़ी विक्रेता से कि अभी लकड़ी का क्या भाव चल रहा है। नमस्कार भैया, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है। मेरा नाम उमेश कुमार सिंह हुआ। तो आपका सिर्फ क्या लकड़ी बेचने का काम है कि और भी कुछ है? तो अभी लकड़ी कैसे चल रहा है? लकड़ी अभी आपको सखुआ का 1200 रुपये चल रहा है मन, और आम का 600। तो अच्छा, एक डेड बॉडी को जलाने के लिए कितना लकड़ी का आवश्यकता होती है? कम से कम 5 मन, उसके ऊपर 7 मन, 9 मन, जैसा बॉडी है वैसा। कैसे आप मतलब कैसे समझ में आएगा कि 5 मन लगे कि 9 मन लगे कि 7 मन लगे? सब आदमी के वजन से पता चल जाता है, बता देते हैं। अच्छा, आप जो और जैसे कि अगर एक डेड बॉडी को जलाने में मिनिमम कम से कम कितना खर्चा आता है? अगर कोई आदमी मध्यम परिवार से अगर लकड़ी पर जलाते हैं लोग, तो उनका 10 से 15, 12 से 15 हज़ार रुपया तक ले आता है। ये कम से कम है 12 से 15 हज़ार रुपये आपका सब सामान वान लेते हैं, सब आपका खर्च बिकता। मतलब 10 से 15 हज़ार रुपये, हाँ 15 हज़ार रुपये तक आपका सारा खर्चा गिरता है, घर से लेते यहाँ तक। अच्छा, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा खुला हुआ है, तो डेड बॉडी जलाने के लिए खुला ही में सारा है या कुछ सेट वेट? नहीं, सब खुला में ही व्यवस्था। अच्छा, मान लीजिए कि जिस दोनों आदमी को किसी आदमी को लकड़ी पे नहीं जलाना है, वो मशीन पे जलाना है, तो उसका क्या कॉस्टिंग आपको पता है? उसका कॉस्टिंग आपको सामान का आ जाती है 2500 से 3000 रुपये जी। और प्लस जो दो मिल मतलब
एक मिनिमम कोई प्राइस होगा? 2500 का पूरा सामान? हाँ, का कोई प्राइस नहीं। अच्छा, मतलब वो जितना में आपका हाँ, काम हो जाएगा, मतलब वो भी जो है 10,000 के अंदर में सारा काम हो जाता है? 2500 ये मान लिया, 2500 अगर ढूंढ लेता है तो 5,000 वो मशीन से मशीन में हो जाता। अच्छा, और जैसे यहाँ कोई सीट उठ का व्यवस्था नहीं? कोई कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के लिए लोग लगे हुए हैं, अधिकारी लोग भी। यहाँ कुछ बने प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रही है जी, फिलहाल अभी तो नहीं अभी है नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम बालघाट पे खड़े हैं और यहाँ पे जो है लकड़ी पे अगर आप किसी का डेड बॉडी जलता है उसमें 10,000 से 15,000 का खर्चा आता है। अगर वही आदमी अगर जलाना चाहे अगर मशीन पे तो मात्र आपका 5,000 में हो जाता है। info.com देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.